पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार वहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्र अधिकारी यातायात शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान द्वारा तिरवा क्रॉसिंग ऑटो टेम्पो स्टैंड में ऑटो टेम्पो चालक को यातायात नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये भी बताया गया कि टेम्पो या ऑटो या ई रिक्शा में मानक के अनुरूप ही सवारी बैठाएं। यदि टेम्पो ऑटो या ई रिक्शा में मानक से अधिक सवारियां बैठी पाई जाएंगी तो ओवरलोडिंग में चालान किया जाएगा। तिरवा क्रॉसिंग पटरी पार पुल के नीचे बेतरतीब ऑटो टेम्पो या ई रिक्शा खड़े पाए जाएंगे तो नो पार्किंग में चालान किए जाएंगे। आसपास रहने वाले लोगों को निकलने में दिक्कत होती है क्योंकि टेम्पो ऑटो या ई रिक्शा चालक अपने वाहनों को रास्ते में खड़ा करके सवारियां भरते हैं। अब वहां पर खड़े वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाएगी। निकल के आते हैं तो खड़े हैं आधा घंटा, तुम जो है तो खड़े हो, गाड़ी लगाए वहां पे सवारी के चक्कर में, और अगर कोई हटा रहा है तो उसे झगड़ा कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं करेगा। वहां पर कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा। मेरा स्पेशली जो है तो आपको जो है ये संदेश देना था कि आप लोग वहाँ गाड़ी मत खड़ी करें। दूसरे इधर जो है तो जितने भी गाड़ियां चल रही है ढाला खोल करके पीछे सवारी बैठी पा जाएंगे, हम चालान करें, अनावश्यक अपना नुकसान मत करें, ठीक है। कोई अगर आपको अनावश्यक रूप से नाजायज तरीके से परेशान करता है सीधे थाने जाइए, जाकर के वहां थाने में अपनी बात कहिए। हमारे नाम से अगर कोई आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है आप पहले हमसे बता दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अनावश्यक रूप से आप उल्टी सीधी सवारी भर करके बिना लाइसेंस के मैं पा जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, चालान कर